मलाई से घी निकालने के लिए मैंने करीब 7-8 दिन की मलाई ली है और इसको एक कढ़ाई में डाल दिया है और गैस ऑन करके इसको मैं पकाने जा रही हूँ। मलाई पकाने के लिए हम गैस को सिंपर ही रखेंगे और सिंपर रखते हुए बीच बीच में चलाते रहेंगे, इससे कि ये नीचे लगे ना। ये देखिए, पकाते पकाते इसकी ये स्टेज हो गई है, काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है और हल्का कलर भी चेंज हो गया है। और मैं तब से सिम पे ही पका रही हूँ इसको, मुझे पकाते हुए करीब आधा घंटा हो गया है। अब ये और पकेगा तब इसका घी अलग हो जाएगा। देखिए, पकाते पकाते ही इस स्टेज पर आ गया है कि इसमें से घी अलग होने लगा है। और ये जो दिख रहा है आपको बचा हुआ, ये अगर आप इस स्टेज पर छान लेंगे तो इससे आप खोए की तरह यूज़ कर सकते हैं और मिठाई बना सकते हैं। मैं जल्दी ही आपको इसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगी। और लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे जिससे कि यह और डार्क ब्राउन हो जाए और इससे और ज़्यादा घी निकल आए। अच्छा, मैं आपको एक टिप दूंगी घी और ज़्यादा निकालने के लिए, तो जो मैं लास्ट में दूंगी तो आप ज़रा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए कितना सारा घी निकल आया है और ये जो छानस थी ये देखिए एकदम ब्राउन सी होने लगी है। इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि इसी गर्माहट में ये भी और ब्राउन हो जाएगी और ठंडा होने पर फिर हम इसको छानेंगे। अब हमारा ये घी ठंडा हो गया है, अब मैं इसे छान लेती हूँ। इसको हम छानस को दबा दबा के, जो इसका बचेगा घी का, इसको अच्छी तरह से दबा के हम छानेंगे और इसको वापस इसमें पलट देंगे। इसका सीक्रेट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और ज़्यादा घी निकालने के लिए। ये देखिए, हमने घी छान लिया है और अभी जो छानस बचा है हमारा, इसको मैं इसी कढ़ाई में वापस पलट देती हूँ। आपको अपना वो टिप बताने जा रही हूँ मैं। अब इसमें मैं करीब आधा भगोना भर के पानी डालूंगी। अब इसमें ये पानी डाल के और इसे हम गैस पर रख के उबालेंगे, 2-3 उबाल आने देंगे इसमें और फिर हम इसको गैस से उतार लेंगे। देखिए, इसमें मैंने 3-4 बॉईल दे लिए हैं, अच्छी तरह से ये उबल गया है और इसका जो ये छानस है सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम एक भगोने में पलट देंगे पानी सहित और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसमें मैं पानी और डाल दे रही हूँ और फिर इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए जिससे कि पानी पानी ऊपर आ जाए, बाकी वो नीचे बैठ जाए। अब बहुत विंटर्स में तो आप इसको बाहर भी छोड़ सकते हैं तो उसमें घी जम जाएगा, वरना इसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख देंगे तो ऊपर घी की लेयर आ जाएगी जिसको हम कि अलग निकाल देंगे। अब ये घर का निकला प्योर घी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इससे बहुत सारी चीज़ें घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। देखिए, जो छानस बची थी घी निकालने के बाद, उसको पकाने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, तो उससे इतना सारा घी निकल आया है और बाकी ये छानस ऐसे बच गई है। अब इसको आप फेंक सकते हैं। तो ये जो बचा है घी, इसको हम थोड़ा सा देर सिम पे पकाएंगे गैस पे, तो इसका जो पानी पानी ज़रा सा आया है वो ऊपर अलग आ जाएगा और आपका बिल्कुल साफ सुथरा घी निकल आएगा। इसे मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा था, तो देखिए इसमें ऊपर घी की एक लेयर आ गई है, जैसे कि आप निकाल लीजिए एक बर्तन में और काफ़ी सारा घी निकल आता है इस तरह से।